लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हु वाज जॉन गॉटफ्राइड. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जॉन गॉटफ्राइड कौन थे. नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म. कि ये जो टर्म है कल्चरल नेशनलिज्म, ये होती क्या है. इट्स अ नेशन विच इज डिफाइंड बाय अ शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन लैंग्वेज रेदर देन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री और रेस. एक नेशन जो कि फॉर्म करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज जो कि शेयर्ड है, कि सेम है. वहाँ के जो लोग हैं उनका या तो कल्चर सेम रहा है या उनकी जो लैंग्वेज है वो सेम रही है. उस बेसिस पे जो नेशन फॉर्म हुआ है उसको कल्चरल नेशनलिज्म कहेंगे, रेदर देन कोई ऐसा नेशन जो कि फॉर्म हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रेस या कॉमन एंसेस्ट्री. अब हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमें नाम दिया गया है जॉन गॉटफ्राइड, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उनको कल्चरल नेशनलिज्म का फादर बोला जाता है. ये एक बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि अगर आपको जर्मनी का ट्रू कल्चर जानना है तो आप वो जान सकते हो किन चीजों के थ्रू. फोक सॉन्ग्स के थ्रू, फोक पोएट्री के थ्रू और फोक डांसेस के थ्रू. सो द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हु वाज जॉन गॉटफ्राइड, ही वॉज वन ऑफ द फेमस रोमांटिक जर्मन फिलोसफर्स हु क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.